हे डूड, वेलकम टू टाइम टूड। आई वेलकम यू टू द 29th एपिसोड ऑफ द मूवीज अपडेट। और आज भी हमारे पास हर बार की तरह बहुत सारी अपकमिंग मूवीज से रिलेटेड अपडेट है, तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना। और ऐसी ही अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रुबीना दिलैक और राजपाल यादव की जो मूवी आने वाली थी अर्ध, जिससे रिलेटेड मैं उसकी शूटिंग कम्प्लीट होने से रिलेटेड मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। तो उससे रिलेटेड अपडेट आ रहा है कि इसको G5 पे डायरेक्ट रिलीज़ किया जाएगा और इसका ट्रेलर कर रिलीज होने जा रहा है G5 के यूट्यूब चैनल पर। दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहिद कपूर की जो मूवी आई थी जर्सी, अब उसको OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। कंफर्म न्यूज़ है कि इसको 20 मई को रिलीज़ किया जा रहा है नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि इतनी खास कमाई नहीं कर पाई। 21 अप्रैल को रिलीज हुआ था, अब ये 20 मई को रिलीज हो जा रहा है क्योंकि इतनी खास कमाई नहीं कर पाई थी। यहाँ देखो KGF अभी जाकर रेंट हो रहा है जाके। तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है RRR मूवी के OTT रिलीज से रिलेटेड, मतलब सिनेमा घर में बहुत ज़्यादा कमाई करने के बाद अब RRR जो है OTT पर रिलीज होने जा रहा है। कम से कम तीन महीने बाद रिलीज होने जा रहा है ये OTT पर, और ये 2 जून को रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पर सभी लैंग्वेज में, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं 2 जून को। चौथी जो न्यूज आ रही है वो आ रही है कृति सनोन की अगली मूवी जो होने वाली, अपकमिंग मूवी जो होने वाली है वो होने वाली अनुराग कश्यप के डायरेक्टोरियल, मतलब अनुराग कश्यप डायरेक्ट करेंगे। तो उससे रिलेटेड पब्लिक बहुत सारी कह रही थी कि ये रीमेक होने वाला किसी किल बिल मूवी का, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि ये रीमेक नहीं होने वाला, क्योंकि अनुराग कश्यप ने कहा कि मैं रीमेक नहीं बनाता। तो ये एक अपनी एक मूवी होगी रीमेक, एक रिवेंज मूवी होने वाली है। मतलब इसमें एक लड़की जो है किसी से रिवेंज लेती है और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो होप करता हूँ आपको अपडेट जानकर अच्छा लगा। तो अगर आपको अपडेट जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ। और आपको किसी अपडेट जानकर एक्साइटेड हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।